नमस्कार, बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बायोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिक्स को आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम हर टॉपिक को बड़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और ये टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन को हम बर्थ कंट्रोल भी कह सकते हैं, जन्म नियंत्रण, बच्चों के जन्म को नियंत्रित कर लेना, ये कहलाता है बर्थ कंट्रोल। इसको हम फर्टिलिटी कंट्रोल भी कह सकते हैं, फर्टिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये इसके नाम है, कॉन्ट्रासेप्शन आप कह लीजिए, बर्थ कंट्रोल कह लीजिए या फर्टिलिटी कंट्रोल कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है बर्थ कंट्रोल के। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, तो अनचाहे बच्चों को अवॉइड करना, ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका कॉन्ट्रासेप्शन का, कि हमको कुछ बच्चे नहीं चाहिए तो उसको अवॉइड करना, इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, जितने बच्चे हमको चाहिए उतने ही हम रखेंगे, ठीक है। ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, जितनी जरूरत है, हमें एक बच्चा चाहिए तो हम एक रखेंगे, दो बच्चे चाहिए तो हम दो रखेंगे, ठीक है। तो लाइन नहीं लगानी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसी। देखिए, फीमेल की हेल्थ को लेकर या कुछ कॉम्प्लिकेशंस को लेकर या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, ठीक है, जो फैमिली की एक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको लेकर, अगर हमें बच्चों के बीच अंतर चाहिए, ठीक है, हमें कितने समय बाद बच्चा पैदा करना है, तो उसके लिए ये हम कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, टू रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसीज, ठीक है। एक बच्चा होने के बाद हमें दूसरा बच्चा कितने साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली। फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए ये हमें तय करना है, पेरेंट्स को तय करना है, जो फर्टाइल कपल है उनको ही डिसाइड करना है कि फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, फैमिली की हेल्थ और वेलफेयर यानी कि माली हालत के लिए, अगर फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, कमाई अच्छी नहीं है फैमिली की, तो हम ज्यादा बच्चे नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फैमिली की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, सेकेंड टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, जितने बच्चे चाहिए उतना ही करेंगे, और थर्ड ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसीज, बच्चों के बीच अंतर रखना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और क्या होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली, हमें कितने फैमिली में बच्चे चाहिए उतने ही, और फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, फैमिली की हेल्थ और माली हालत को देखते हुए। अब आइए हम देख लेते हैं फैमिली प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं, दी प्लानिंग प्रोविजन एंड यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज नोन एज फैमिली प्लानिंग। देखिए, फैमिली प्लानिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आप बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उन सब का प्लान करके इस्तेमाल, ये फैमिली प्लानिंग कहलाती है, ठीक है, कि हमको फैमिली में कितने बच्चे चाहिए, कब बच्चे हमको चाहिए, कब बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, फैमिली की हेल्थ और वेलफेयर को देखते हुए बच्चे प्लान करना, ये सब कहलाता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। देखिए, बर्थ कंट्रोल को हम एंशियंट टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं,
एंशियंट माने प्राचीन समय से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं बर्थ कंट्रोल को बच्चों में अंतर रखने का उपाय या बच्चों को नियंत्रित रखने का उपाय हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसका सेफ और इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो हमको 20th century में ही मिल पाए हैं। कब मिल पाए हैं, अवेलेबल हुए हैं 20th century यानी कि 20वीं शताब्दी में ही इसका सेफ और इफेक्टिव इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। इस्तेमाल तो हम लोग करते आ रहे प्राचीन समय से, पुरखों पूर्वजों के जमाने से इसको इस्तेमाल करते आ रहे बर्थ कंट्रोल। ना तो पुरखे तो अगर इसका इस्तेमाल ना करते तो 100-100 बच्चे पैदा कर देते थे, है ना, लेकिन बाद में इसको कंट्रोल करना सीख लिया लोगों ने। तो 20th century में इसका सेफ और इफेक्टिव इस्तेमाल शुरू हुआ है इसका। लेकिन कुछ कल्चर जो है, कुछ रिलीजन है, इसका जो है बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं मानते हैं, उसको जरूरी नहीं समझते, उनके कल्चर में उनके रिलीजन में इसका इस्तेमाल करना जो है वो इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है, अच्छा नहीं समझा जाता है, या चाहे वो पॉलिटिकली हो या उनके रिलीजियस मैटर को लेकर हो, उसको वो इनअप्रोप्रिएट मानते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या ऐसे लक्षण या क्या गुण होने चाहिए जो लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट है, ये होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूज करने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इससे हमें दिक्कत हो रही है या इससे हमें कोई परेशानी है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल, ठीक है, इजिली अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ज्यादा उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी में, ठीक है, इजिली अवेलेबल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है, सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्यों, अगर इफेक्टिव नहीं है, भरोसा करके लाए कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करने के लिए और वो सेफ नहीं रहा, इफेक्टिव नहीं रहा, उससे धोखा हो गया और मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेफ एंड इफेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और क्या होना चाहिए, लेस साइड इफेक्ट, नहीं ऐसे नहीं, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, अगर हो तो वो भी ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है, नो साइड इफेक्ट और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो होने ही नहीं चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, ठीक है। और क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल, ठीक है, जब हम चाहें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर लें, जब हमको बर्थ कंट्रोल करना है तब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर लें, और जब हमको बर्थ कंट्रोल नहीं करना, वी वांट अ बेबी, देन इट शुड बी रिवर्सिबल, ठीक है, इसको रिवर्सिबल भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शुड नॉट एंटरफियर, डी सेक्स ड्राइव और डिजायर, ठीक है, जो सेक्स ड्राइव है
या सेक्स डिजायर है उसको इंटरफियर नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, ऐसा नहीं हो बीच में अड़चन पैदा कर रहा हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो जो सेक्सुअल ड्राइव होती है या डिजायर होती है वो डिजायर बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इंटरफियर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में आड़े आ रहा है, हा? तो ये सब रही प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी है इजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, सेफ एंड इफेक्टिव होना चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और असरदार भी हो, इफेक्टिव भी हो, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना के बराबर साइड इफेक्ट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, इसका हम जब चाहे तब इस्तेमाल करें, जब चाहे ना इस्तेमाल करें, ठीक है, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शुड नॉट इंटरफियर द सेक्स ड्राइव और डिजायर। समझ में आया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के होते हैं, देखिए ये होते हैं टू टाइप के, फर्स्ट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और दूसरे क्या होते हैं, टेम्परेरी, ठीक है। तो दो टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स और दूसरे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, ये परमानेंट होते हैं, बिल्कुल परमानेंट, स्थायी। एक बार आपने इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर लिया परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, तो आप जीवन भर उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी इनकी जो है बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो एक बार इस्तेमाल कर लिया तो जिंदगी भर फिर डिसीजन पक्का रखना पड़ेगा। तो ये होते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड, ठीक है, और टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, इनको जब चाहे तब इस्तेमाल करो, जब चाहे तब इस्तेमाल ना करो, जब बच्चे नहीं चाहिए तो इस्तेमाल कर लो, जब बच्चे चाहिए तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। तो ये टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए, फर्स्ट मेथड है हमारा जो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इस परमानेंट मेथड को हम स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जहाँ से मेल या फीमेल गैमेट्स फ्लो करते हैं, आते हैं जाते हैं, उस ट्रैक्ट को स्टरलाइज कर दिया जाता है, यानी कि गैमिट फ्री कर दिया जाता है, वहां से ना तो गैमिट्स आ सकेंगे ना जा सकेंगे, ठीक है, वहां गैमिट्स पाए ही नहीं जाएंगे, तो इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन मेथड। और क्या मेथड है इसका, और दूसरा नाम है टर्मिनल मेथड, ठीक है, जो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ से गैमिट्स, मेल गैमिट्स या फीमेल गैमिट, मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उस ट्रैक्ट में गैमिट्स का रास्ता ही खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, आने जाने का रास्ता ही खत्म कर देते हैं, यानी कि टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेथड के ये नाम है स्टरलाइजेशन मेथड और टर्मिनल मेथड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि परमानेंट मेथड में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट, देयर बाई प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एक सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा, एक सर्जिकल मेथड द्वारा गैमिट्स के पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, गैमिट्स का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, ठीक है। अब जब ट्रांसपोर्ट गैमिट्स का रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, ठीक है। तो एक सर्जिकल इंटरवेंशन द्वारा गैमिट्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है।
ठीक है, दीज मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये जो परमानेंट मेथड है ये बहुत ही इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव होते हैं ये, ठीक है, इनके फेल्योर के कोई चांस नहीं होते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लिया कोई फेल्योर नहीं है, जिंदगी भर ये एकदम 100% काम करते हैं। तो दीज मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, इनको रिवर्स नहीं लिया जा सकता है, कि ऐसा नहीं कि जब चाहे तब इस्तेमाल कर लो, तो रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है इसकी, ठीक है, मतलब ये परमानेंट है तो परमानेंट ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है वासेक्टमी और दूसरा है ट्यूबेक्टमी, ठीक है। वासेक्टमी, इसको हिंदी में आप नसबंदी भी कह सकते हैं, ठीक है, नसबंदी, और ट्यूबेक्टमी को नल बंदी कहते हैं, ठीक है। वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी ये दो तरह के ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। वासेक्टमी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मेल के लिए होता है, और ट्यूबेक्टमी ये होती है फीमेल के लिए, ठीक है। तो हम अब डिटेल से पढ़ते हैं वासेक्टमी आखिर क्या है और ट्यूबेक्टमी क्या होती है। तो ये है वासेक्टमी, आइए समझ लेते हैं वासेक्टमी क्या होती है। ये परमानेंट मेथड है मेल्स के लिए, मेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये परमानेंट मेथड है। बोथ वास डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट, क्या होते हैं ये देखिए, ये होते हैं टेस्टिस, ये टेस्टिस हैं, ठीक है, यहां से ये जो नली निकलती है शुक्र नलिका, यानी कि वास डिफरेंस, ये जो होती है ये क्या है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है। अब इस वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, यहां से सबसे पहले तो बांध दिया जाता है, इसको डिटेक्ट करके जो है चीरा मार के टेस्टिस के बाहर निकालने के बाद इसको पहले तो बांध दिया जाता है, फर्स्ट लाइगेटेड एंड देन कट, उसके बाद इसमें कट लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों साइड की, ठीक है, दोनों साइड के वास डिफरेंस को, लेफ्ट साइड का भी वास डिफरेंस और राइट साइड का वास डिफरेंस, दोनों साइड के वास डिफरेंस को लाइगेट करके काट दिया जाता है, इसको कहते हैं वासेक्टमी। क्या कहते हैं इसको, वासेक्टमी कहते हैं। तो ये मेल्स के लिए यूज किया जाने वाला परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, और बोथ वास डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट। अब इसमें क्या, इस सर्जरी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ये माइनर सर्जरी होती है, बहुत ही कम समय में ये हो जाती है, 15 से 20 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है, ठीक है, तो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, टेक वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही कम समय लगता है इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, इट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट तो इसको बढ़ावा दे ही रही है कि जनसंख्या वृद्धि में कमी हो, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऑपरेशन को, इस सर्जरी को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। और क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज एंड इजेकुलेटेड सीमेन इज विदाउट स्पर्म, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू बना रहता है, ये टेस्टिस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तो वहां से LH FSH सब कुछ निकलेंगे, और कहां पर, यहां पर इसको टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे इसमें, ठीक है, तो यहां पर स्पर्म प्रोडक्शन भी होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसीजर भी होगी टेस्टिस के अंदर, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन भी होगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलेगा जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए जरूरी है, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकल रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और जो स्पर्म यहां से निकल के जाएगा भी, ठीक है, यहां से निकल कर आगे जाएगा भी, लेकिन यहां से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये लाइगेट करके कट कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, सब कुछ काम होगा,
इजेकुलेशन भी होगा, इजेकुलेशन भी होगा, ठीक है। जो सेक्स डिजायर है, ड्राइव है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, आदमी को लगेगा ही नहीं कि वैसेक्टमी कराई हुई है, कोई प्रोसीजर अपनाया हुआ है, परमानेंट मेथड लिया हुआ है बर्थ कंट्रोल का। क्यों? उसी तरह से सीमेन निकलेगा, उसी तरह से सब कुछ होगा। ये देखिए और क्या होता है कि ये जो सेमिनल फ्लूड है उसी तरह से सीमेन निकलेगा जिस तरह से पहले निकलता था। क्या? सेमिनल वेस्कल से सेमिनल फ्लूड भी निकलेगा, ठीक है, प्रोस्टेटिक फ्लूड भी निकलेगा, बल्बो यूरिथ्रल फ्लूड भी निकलेगा, ठीक है। ये सबसे मिलके ही तो सीमेन बनता है, ठीक है, केवल स्पर्म अकेला थोड़े होता है। हाँ, इसमें ये सब कुछ निकलेगा मिलकर, ये पूरा सीमेन यहां से निकलेगा, ठीक है, सीमेन निकलेगा, लेकिन इसमें स्पर्म नहीं होगा। क्यों? स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, बांध दिया गया है, लाइगेट करके कट कर दिया गया है, तो इसको कहते हैं वैसेक्टमी, ठीक है, इसको वैसेक्टमी कहते हैं। ये समझ में आ गया, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, केवल स्पर्म नहीं निकलेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है? स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज एंड इजेकुलेटेड सीमेन इज विदाउट स्पर्म। जो सीमेन निकलेगा वो विदाउट स्पर्म होगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा। फिर क्या है? नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। अगर ये लाइगेट करके कट कर दिया गया, वैसेक्टमी करा ली, अभी करा के आ गए, तो ये तुरंत इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों? क्यों नहीं इफेक्टिव होगी? क्योंकि ये स्ट्रैक्ट में बहुत सारे सीमेन, बहुत सारे स्पर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं, इस कटे हुए ट्रैक्ट में स्पर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कॉपुलेशन कर लिया तो ये सीमेन निकल के जो है प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करा देंगे, ठीक है। तो ये तुरंत इफेक्टिव नहीं होती है, नॉट इफेक्टेड इमीडिएटली। दो चार बार कॉपुलेशन हो जाए, दो चार बार इजेकुलेशन हो जाएगा, तब ये ट्रैक्ट खाली होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैसेक्टमी। आइए हम देख लेते हैं ट्यूबेक्टमी के बारे में। ट्यूबेक्टमी आखिर क्या होती है? ट्यूबेक्टमी इज ए परमानेंट मेथड फॉर फीमेल्स। फीमेल के लिए ये मेथड अपनाया जाता है ट्यूबेक्टमी, ठीक है। नलबंदी जो होती है वो फीमेल के लिए अपनाई जाती है। इट इज, तो ये परमानेंट मेथड होता है फीमेल के लिए। एक बार अपना लिया तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिवर्स कर लिया जब चाहे तब, इस्तेमाल कर लिया जब चाहे तब, छोड़ दिया प्रेगनेंसी धारण कर ली, ऐसा नहीं। तो इट इज परमानेंट मेथड फॉर फीमेल्स, ठीक है। द स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल सर्जरी। एक छोटी सी सर्जरी करके, छोटा सा ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है दोनों साइड की, इसको लाइगेट करके कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट, दोनों फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट करके कट कर दिया जाता है इसमें। ये इसी को कहते हैं ट्यूबेक्टमी, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूस, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी होने के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती रहेगी। क्यों? क्यों चलती रहेगी? LH FSH आते रहेंगे, और यहां से ओवम भी निकलता रहेगा। यहां से क्या होगा? ओवम भी निकल के यहां जाता रहेगा, ठीक है। ओवम निकला, इधर चला गया, ठीक है। और एंडोमेट्रियम भी ये बनती रहेगी और रप्चर होती रहेगी, डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है, ये भी होती रहेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम किससे बनती है? एस्ट्रोजन हार्मोन से बनती है। तो ये एंडोमेट्रियम भी बनेगी, प्रोजेस्टेरोन भी निकलेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डाउन होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम रप्चर भी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है, ट्यूबेक्टमी के बाद। The released ovum is destroyed by phagocyte. अब यहाँ से जो कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ से अंडा निकलेगा, वो यहाँ नहीं आएगा, यूट्रस में नहीं आएगा, तो वो जाएगा कहाँ आखिर? तो यहाँ से जो ओवम एग निकलेगा, ऊसाइट निकलेगा, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। आगे का रास्ता ब्लॉक है, बंद है, लाइगेट करके कट किया हुआ है। तो ये जो एग है, यहाँ पर कुछ फैगोसाइट होती है, ठीक है, तो फेगोसाइट इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ बच्ची कोशिकाएं होती हैं,
वो इसको खा जाएंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। एक सेल ही तो है छोटा, इनविजिबल वन सेल स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा होता है। तो फैगोसाइट होती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो ये था ट्यूबेक्टमी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इट इज परमानेंट मेथड फॉर फीमेल, फीमेल के लिए परमानेंट मेथड है, और द स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल सर्जरी, छोटी सी सर्जरी करके, या तो फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट कट करके हटा दिया जाता है, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है, या लाइगेट करके कट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, बंधा लगा दिया जाता है, तो इसी को ट्यूबेक्टमी कहते हैं। ठीक है, अब ट्यूबेक्टमी होने के बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू बनी रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम भी बनती है और ये रप्चर भी होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फ्लो भी जैसे एज इट इज रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, और इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, ये तुरंत ही इफेक्टिव होती है। ठीक है, तुरंत इफेक्टिव होती है ये, क्यों, यहां पर कोई ओवम एग तो भरे हुए नहीं है यहां पर इस ट्रैक्ट में, यूट्रस में है, तो तुरंत इफेक्टिव है, महीने में एक बार एक ओवम निकलता है, तो इसलिए ये तुरंत इफेक्टिव होती है। ठीक है, द रिलीज्ड ओवम इज डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट, जो ओवम यहां से निकलता भी है, आगे रास्ता बंद है, उसको फैगोसाइट डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये रहा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं, पहला मेथड है वॉशेक्टमी, जो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए परमानेंट मेथड है। ठीक है, और दूसरा है ट्यूबेक्टमी, जो फीमेल के लिए परमानेंट मेथड है। ठीक है, और ये मेथड अपनाने के बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी में या उसके जो है हार्मोनल एक्टिविटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये गैमिट्स जो होते हैं, मेल फीमेल गैमिट है, इनका पाथ, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये सब टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में सवाल करके पूछिए, हम उसका आंसर देंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।